यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प के दौरान सेना के जवानों ने फायरिंग की है, जिसमें एक लड़की समेत तीन नागरिकों की मौत हो गई और दो घायल बताए गए हैं। कुलगाम की इस घटना पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने दुख और पीड़ा जाहिर की है और कश्मीर घाटी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में थलसेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने भी हिस्सा लिया और राजभवन के प्रवक्ता ने यह बताया कि आम लोगों की जो मौत पर गहरा दुख जताया गया है राज्यपाल के द्वारा और थलसेना और सभी सुरक्षा बलों की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOPs का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। राज्यपाल ने कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान किसी नागरिक जीवन का नुकसान ना हो इसके लिए सशस्त्र बलों और इसके अलावा राज्य पुलिस के बीच सशक्त सहयोगी कार्रवाई और तालमेल पर जोर दिया है। आपको ये भी याद दिला दें कि राज्य सरकार में शामिल बीजेपी के PDP से समर्थन वापस लेने के बाद से यहां पर राज्यपाल शासन लागू है।